वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया ठीक है पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर ठीक है तो यहाँ पर जो प्रक्रिया शुरू हो रही है इससे पहले भी कोई बात है वित्त से ही संबंधित लेकिन शुरुआत इस हेडलाइन के साथ शुरुआत ठीक है आर्टिकल 112 के साथ आपकी हो रही है ठीक है 112 के साथ इस चैप्टर का इस खंड का इस पार्ट का शुरुआत होता है ठीक कि वित्तीय विषयों के संबंध में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी यानी कि प्रक्रिया अपनाते समय ही हम उन विषयों को भी समझेंगे जो वित्तीय विषय की लिस्ट में आते हैं या जिनके बारे में हमें जानना चाहिए तो पहली बात लिखी है आर्टिकल वन वन टू में ठीक है आर्टिकल वन वन टू में लिखी है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बहुत ध्यान से शब्दों को भी पढ़ना है ठीक हम बजट शब्द जानते हैं अलग बात है लेकिन क्या लिखा है अलग बात है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण इसके रूप में अनुच्छेद 112 लिखा हुआ है ठीक है क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण ठीक तो क्या में जो बेयर एक्ट कह रही है उस लैंग्वेज में हम अटके रहें या हम अपने हिसाब से पढ़ें यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ठीक बेयर एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं अपना कंटेंट नहीं बना रहे हैं तो आपको समस्या हो जाएगी जैसे बेयर एक्ट कह रहा है द प्रेसिडेंट सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कास्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर इन दिस पार्ट रिफर्ड एज एज टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने इस तरह कहा हम थोड़ा दूसरी तरीके से पढ़ लेते हैं क्या पढ़ लेते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण है तो किससे संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण है तो हमें मिलता है क्या कि उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है ठीक है उस वर्ष के लिए प्राकलित फॉर दैट ईयर लिखा हुआ है आपका ठीक है फॉर दैट ईयर लिखा हुआ है दैट ईयर ठीक है उस वर्ष, के उस वर्ष के लिए ठीक दैट ईयर उस वर्ष के लिए यानी कि जो आपका वर्ष चल रहा है जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए ठीक है जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से उसके लिए ठीक है अप्रैल से शुरू होता है मार्च तक होता है उसके लिए फॉर दैट ठीक है ईयर पहली बात हुई किस उसके लिए क्या चीज ठीक है इस्टीमेटेड ठीक है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडेचर ठीक इस्टीमेटेड रिसिप्ट एंड एंड एक्सपेंडेचर कहने का क्या अर्थ है ठीक है प्राकलित प्राकलित आय और व्यय ठीक इस्टीमेट या प्राकलन अगले समय के लिए होता है पिछले समय का मूल्यांकन होता है ठीक है वैल्युएशन होता है पिछले समय जो हमें मिला है उसकी हम समीक्षा करेंगे अगले समय के लिए एक प्लानिंग करेंगे इस्टीमेट बनाएंगे तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष जो है आगामी वर्ष के लिए हम इस्टीमेट बनाएंगे किसका एस्टीमेट बनाएंगे जो आपकी आय हो रही है और व्यय हो रहा है अब ये आय और व्यय किससे संबंधित है बड़ी सीधी भाषा में लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्सपेंडिचर किसका है दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका आय का प्राकलन है ठीक है इसका आय का प्राकलन है दो बातें जब इन्हें आप निकाल लेते हैं तब तीसरी बात आपके लिए बहुत आसान हो जाती है ठीक है अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें ठीक केंद्र की सेंटर की बात करें तो हम देखेंगे कि कौन होता है जो टॉप पे होता है किसको इसका मुखिया बनाया गया है तो हमें उत्तर मिलता है प्रेसिडेंट को मुखिया बनाया गया है यानी कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुखिया कौन सा कौन है राष्ट्रपति है इस बात को आर्टिकल 53 में आपने पढ़ रखा है प्रेसिडेंट है इस बात को आपने पढ़ रखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुखिया कौन है प्रेसिडेंट है कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित हैं प्रेसिडेंट में निहित हैं इस बात को आपने पढ़ रखा है ठीक है जब आप गवर्नमेंट शब्द को पढ़ते हैं उसमें आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन और जुडिशरी के बीच जब रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप होती है सब एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक में किसको आगे बढ़कर काम करना है तो उसे एग्जीक्यूटिव को ही आगे बढ़ कर के तो कार्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं इसी वजह से जो प्रेसिडेंट है ठीक है इसके लिए लिखा गया सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर यही कर रहा है ठीक है सेल भी शब्द जोड़ा गया है सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेरी फाइनेंशियल ईयर ठीक है सेल इन ये राष्ट्रपति क्या करेगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ठीक है क्या करेगा टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएगा ठीक है एक स्टेटमेंट बनाएगा ठीक है विवरण बनाएगा ठीक और उस विवरण का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा यह एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर और इस स्टेटमेंट को कहां ले जाकर के पहुंचाया जाएगा तो बोथ बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट यहां के लिए ठीक है तो एरो से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसके लिए विवरण रखवाएगा जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है अब किसी भी स्टेप पर अगर आपसे प्रश्न अगर आप प्रश्न सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा यही है जब आपने आंसर लिखा होगा तो पता होगा कि या तो आप आर्टिकल एक सौ बारह सीधे डेट टू लाइन टू लाइन छाप दीजिए उम्मीद मत करिए उतना नंबर मिलेगा उससे बेहतर है आप अपनी लैंग्वेज में सभी बातों को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करिए क्योंकि आपको अपनी भाषा में लिखना होता है तो आप बताइए जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो उस वर्ष के लिए होता है इस्टीमेट होता है आय और व्यय का जिसे राष्ट्रपति तैयार करवाता है ठीक है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर और जब तैयार कराएगा वो विवरण जो होगा वो कहाँ भेज दिया जाएगा दोनों सदनों के लिए भेज दिया जाएगा ताकि इस पर चर्चा आदि की जा सके ठीक है तो इस आय व्य में ये जो आय व्य इसका सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए भी आपकी लिस्ट दी हुई है ठीक कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है तो भारत की संचित निधि में जो आ रहा है जो जा रहा है यानी कि आय भी और जो खर्च हो रहा है उससे संबंधित बातें टैक्सेज आदि से, से संबंधित बातें ठीक है राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की सभापति की राज्यसभा के ठीक है जो भी आपके अधिकारी गण हैं उनके संबंध में वेतन भत्ते खर्चे आदि की चर्चा इसमें की जाती है और उसी के आधार पर पूरा स्टेटमेंट बनाया जाता है और तमाम लोग राष्ट्रपति लिखे हैं राज्यसभा राज लोकसभा के जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति लिखे हुए हैं कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशनों के बारे में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के तनख्वाह के बारे में लिखा है ठीक है कैग के बारे में लिखा हुआ है मध्यस्थम के बारे में लिखा है और अंतिम लाइन जो लिखा है अन्य वे जो इस संविधान द्वारा संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाए यानी कि एक लिस्ट दी गई है कि इनमें कौन कौन आते हैं उसके बाद अन्य वे अदर जो भी एक्सपेंडिचर है उनके बारे में स्पष्ट कर दिया गया कि संसद द्वारा विधि द्वारा अवधारित किया जाएगा क्योंकि लेजिस्लेशन एक माध्यम बनती है किसी चीज़ को एक तरीके से फाइनल करने के लिए कि बेहतर तरीके से लोगों के बीच यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा करके उसको बनाया जाए ताकि किसी की मोनोपोली ना होने पाए कोई मिसयूज ना होने पाए कई दिमाग लगेंगे तो बेहतर से बेहतर हमारे पास रिजल्ट उसका आएगा तो मुख्य हिस्सा यह था दूसरा हिस्सा है कि इसमें किसकी आय बे की बात है वो आप स्वयं से भी एक्ट से पढ़ सकते हैं कंटेंट बहुत स्पष्ट लिखे हुए हैं ठीक है ठीके? कहीं से भी समस्या नहीं होगी तो ये 112 कहता है लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई ठीक है क्लियर है जब ये विवरण बन जाएगा स्टेटमेंट बन जाएगा इसी को आप कहते हैं बजट ठीक है इसी विवरण को क्या कहते हैं बजट नाम से आप जानते हैं बजट बना दिया गया अब बात आई बजट बना दिया जाना ये तो एक मात्र लेखा जोखा एस्टिमेट होता है यहाँ रुपए पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा है हमने एक अनुमान जैसे घर में मान लीजिए ठीक है एक उदाहरण साथ में पैरलली लेते चलते हैं घर में शादी विवाह है घर में कोई शादी विवाह कोई फंक्शन पड़ गया है तो ऐसे ही हर साल भारत में भी रहता है तो हम क्या करते हैं अपना एक इस्टिमेट बनाते हैं कि हाँ हम शादी विवाह में क्या कितना खर्चा करेंगे कौन से रिश्तेदार से कितना पैसा मिलेगा हमारे अकाउंट में कितना है सब व्यवस्था बनाते हैं कि एक औसत जोड़ते हैं इतने खर्चे के हिसाब से इतना रुपया हमारा खर्च होना है तो हमारे पास क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से लगभग उतने रुपये हम जोड़ बटोर के इकट्ठा कर लेते हैं अकाउंट जमा कर देते हैं घर में रखेंगे तो चोरी होने का डर रहेगा खो जाने का डर रहेगा अकाउंट में जमा कर दिए अब जैसा जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम खर्चा करते चलेंगे ठीक अब एक इस्टीमेट बन गया ठीक है अब इस्टीमेट बनने के बाद बजट बनने के बाद अब हम आगे चलते हैं तो आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल आपकी जो है 113 यहां चलते हैं तो एक में ज़्यादा उलझना नहीं है पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ बाकी जो है आपको जो जानना है वो एक अलग चीज़ है ठीक यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू इस्टीमेट्स क्या प्रोसीजर होगा पार्लियामेंट में इस एस्टीमेट के लिए उसके बारे में लिखा हुआ है ठीक अब बात समझ में आती है कि दोनों सदनों में रखा जाना है रखवाएगा यह बात तो क्लियर हो गई लेकिन जो मुख्य शक्ति होती है वो हो, वो हो, ठीक है उसके संबंध में क्या बताया गया कि चर्चा के लिए जो प्रोसीजर है ठीक इसी स्टेट इसी को आप याद रखिए यहीं से एक एरो बढ़ा लीजिए ठीक है कि दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दिया गया किस चीज के लिए चर्चा के लिए बहुत लैंग्वेज में उलझेंगे तो उलझ जाएंगे ठीक चर्चा करने के लिए इस इस्टीमेट पर डिस्कशन करने के लिए ठीक है डिस्कशन के लिए यहाँ रखा गया ठीक अब इसका अर्थ यह नहीं हुआ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी हैं अपान कंसलटेंट कंसल्टेंट नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि चर्चा तो होगी लेकिन मतदान के लिए नहीं रखवाया जाएगा ठीक है अनुच्छेद एक क्या कहता है कि ये जो इस्टीमेट बना है जो ये विवरण आपने तैयार किया है इसको आप पार्लियामेंट के हाउसेज में रखवाएंगे किस पर्पज़ के लिए रखवाएंगे ठीक है चर्चा करने के लिए डिस्कस करने के लिए मतदान करवाने के लिए मतदान के पर्पज से नहीं रखवाएंगे अनुच्छेद 113 का पहला पार्ट कहता है प्राकलनों में से जितने प्राकलन भारत की सांचित नीति पर भारत व्यय से संबंधित में संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे कि इस किंतु इस खंड की कोई बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में प्राकलनों के संबंध में चर्चा को निवारित यानी चर्चा करेंगे चर्चा को नहीं निवारित कर रहा है लेकिन मतदान नहीं किया जाएगा इस बात को कहता है ठीक है फिर इसके बाद दूसरा खंड इसका है यह पहला खंड है एक का दूसरा खंड क्या कहता है दूसरा खंड क्या कहता है यह क्या कहता है कि भाई चलिए चर्चा वर्चा हम कर लिए ठीक है इस्टीमेट पर ठीक है अच्छा बजट बना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन पैसा कैसे रिलीज होगा पैसा कैसे रिलीज होगा उसके लिए एक डायरेक्शन शुरुआत में अनुच्छेद 113 का दूसरा खंड देता है और वह कहता है ठीक है अनुदान की मांग रखी जाएगी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अनुदान की मांग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ठीक है अनुदान की मांग रखी जाएगी अच्छी बात ठीक कहां रखी जाएगी यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है और यहीं पर अब कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा आपका ठीक है लोकसभा में ठीक है ये अनुदान की मांग डिमांड फॉर ग्रांट्स कहां पर रखा जाएगा हाउस ऑफ द पीपुल में रखा जाएगा लोगों की सभा में यानी जो डायरेक्टली चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी सभा में रखा जाएगा ठीक और और लोकसभा को शक्ति होगी कि ये माने ना माने संशोधन सहित माने इनकार कर दे कुछ भी करे जो कुछ भी फाइनल करना है वो शक्ति किसके पास है लोकसभा के पास पावर इसी के पास है इसके भी कारण है इसके भी कारण है कि आर्थिक मामलों में भारत सरकार के खर्चों के मामले में आय व्यय के मामले में आप देखेंगे हर जगह लोकसभा 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 यानी जो भी फाइनेंशियल मैटर्स आपके हैं यहाँ पर राज्यसभा फॉर्मल हो जाती है सारी जो भी जिम्मेदारियां सारी चीजें हैं वो लोकसभा के पास ही रहती हैं तो लोकसभा में डिमांड की जाएगी ग्रांट्स के लिए ठीक है और ये जो आपका इस्टीमेट है उस पर दोनों सदनों में डिस्कशन होगा चर्चा होगी लेकिन वोटिंग नहीं होगी ठीक है इतनी बात क्लियर क्लियर है अब आगे है आपका आर्टिकल वन वन फोर एक सौ हेडलाइन क्या कहती है अप्रोप्रिएशन बिल अप्रोप्रिएशन बिल विनियोग विधेयक अभी इसकी जब समरी देखेंगे बजट प्रक्रिया की तो बहुत आसान हो जाएगा ठीक है लेकिन एक एक वर्ड एक एक आर्टिकल को भी जानना जरूरी है जब हम विनियोग विधेयक की बात करते हैं तो यहां पर एक बात पहले जान लीजिए कोई भी धन जो सबसे अंतिम में लिखा है उसे पहले जानना पड़ेगा मनी की बात हो रही है मनी की बात हो रही है कोई भी धन धन कहां से कंसोलिडेटेड फंड जो है भारत की संचित निधि है ठीक है कंसॉलिडेटेड फंड जो है उसकी बात हो रही है यहां से इसी द्वारा मतलब इस विधेयक द्वारा ही निकाला जा सकेगा ये बात पहले ही जान लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा क्यों ये बात पहले जान रहे हैं उसकी भी थोड़ी सी चर्चा एक लाइन में समझ लीजिए इस बात को इसलिए आप पहले जान रहे हैं कि इस्टीमेट बनाना बजट बनाना उस पर चर्चा करना अनुदान की मांग करना ठीक है ये सब एक अलग बात है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप कंसोलिडेटेड फंड में से रुपया निकाल भी सकते हैं ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि आप रुपया निकाल भी सकते हैं इसका मतलब क्या है वो 114 में लिखा है कि जब भी रुपए निकालने की बात होगी तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल विनियोग विधेयक लाना ही पड़ेगा वरना अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा यानी कि ये चेक है ये चेक है चेक बिना पैसा नहीं मिलेगा आप जाइए बताइए बैंक मैनेजर को ये देखिए ये पासबुक है ये देखिए मेरा इस्टीमेट है ये मेरा आईडी है आप सब कुछ बता दीजिए सारी चर्चा कर लीजिए लेकिन बैंक पैसा कब बैंक से निकाल सकते हैं जब आप चेक लगाएंगे चेक लगाए बिना नहीं निकाल सकते हैं इस बात को दिमाग में फिलहाल रखे रहिए अब देखते हैं अप्रोप्रिएशन बिल में और क्या बातें हैं अप्रोप्रिएशन बिल में और क्या बातें हैं ठीक है जब ठीक है आर्टिकल 113 में ठीक है आपका डिमांड फॉर ए ग्रांट ठीक है ये पास हो जाए लोकसभा में ये पास हो गया ठीक है यानी कि इतना रुपया देने की बात पास हो चुकी है इसके बाद ठीक है इसके बाद जो भी पास हुआ हो आपका हाउस ऑफ पब्लिक में यानी कि लोकसभा में जो भी पास हुआ हो ग्रांट के लिए जो भी पास हुआ हो उसके लिए ठीक है जो भी राशियां हो यानी ग्रांट को अगर आप राशियां लिख लीजिए मनी लिख लीजिए जो भी कुछ हो उसके लिए क्या किया जाएगा उसके लिए क्या किया जाएगा ठीक है एप्रोप्रिएशन बिल ये है पार्लियामेंट में बोथ हाउसेज रखवाया जाएगा कि जब ये पास हो जाएगा चेक क्लियर हो जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा इसके लिए बड़ी स्पष्ट सी बात लिखी हुई है कि 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात लोकसभा द्वारा किए किसी भी प्रकार का अनुदान ठीक है इससे अनधिक दशा में मतलब उस ग्रांट से ज़्यादा की दशा में नहीं पूर्ति के लिए सभी अपेक्षित धनराशियों के लिए जो भी ग्रांट मंजूर हुई है उन धनराशियों के लिए विनियोग का बंद करने वाला विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है और इस बिल में कोई संशोधन जो आपने यह ग्रांट जो भी खर्चा बताया है इस बिल में उसका कोई संशोधन नहीं किया जाएगा यानी कि चेक में ओवर की अनुमति नहीं है इस बात को आप भी जानते हैं चेक में ओवर की अनुमति नहीं है ठीक पेन बदलने तक की अनुमति नहीं है का कलर चेंज हो जाएगा तो भी चेक फेल हो जाएगा तो वैसे ही ये चेक है इस बात को जाने रहिए इतनी बात अप्रोप्रिएशन बिल में फिलहाल आपको जानना है फिलहाल जानना है नेक्स्ट चलते हैं अब अगले हिस्से में आर्टिकल वन वन फाइव दी हुई है जहां पर क्या कहा जा रहा है सप्लीमेंट्री एडिशनल आर एक्सेज ग्रांट्स सप्लीमेंट्री एडिशनल आर एक्सेस ठीक है आर एक्सेस ग्रांट्स ठीक है अब ग्रांट्स शब्द यहां भी यूज हुआ डिमांड ऑफ फॉर ए ग्रांट शब्द 113 में भी यूज हुआ ये 113 का जो डिमांड है ग्रांट की यह बजट से रिलेटेड है लेकिन फिर मामला फंस गया कि कुछ कम पड़ गया ठीक समझने के लिए बहुत सामान्य भाषा में समझिए आप जानते हैं हाई स्कूल इंटर में पहले का एक शब्द था चर्चित होता था परीक्षा में जब कुछ नंबर कम वम रह जाते थे किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तो सप्लीमेंट्री भरा दिया जाता था ताकि उस वर्ष का उसका लॉस ना हो नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन हो जाता था और सप्लीमेंट्री पेपर दे करके वो पूरा कर लेता था पीछे से तो वही सप्लीमेंट्री यहाँ है कि जो कुछ कम पड़ गया है यानी कि इसके बाद बजट बनाने के बाद उसमें कुछ कम पड़ गया है उसके लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए कि जैसे जो हम सोचे थे कि दस रुपया खर्च होगा थोड़ा महंगाई वहंगाई बढ़ गई बारह रुपया खर्च हो गया सप्लीमेंट्री लाएंगे हमने सोचा कि इतना तो हम कर ही रहे थोड़ा और कर ले तो और अच्छा हो जाएगा एडिशनल लाएंगे एक्सेज लाएंगे एडिशनल और एक्सेज ग्रांट्स की मंजूरी होगी वो होगी 115 में और वो अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान इन्होंने हिंदी में लिखा है अनुपूरक अनुपूरक हमेशा उसी का होता है जिसकी व्यवस्था पहले से हो कुछ कमी पड़ जाए अतिरिक्त कोई अतिरिक्त आप जो है व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिए व्यवस्था होती है या अधिक अनुदान ठीक है अतिरिक्त या अधिक अनुदान आपको चाहिए तो आप 115 में आएंगे उसके लिए क्या लिखा गया ठीक है ए पार्ट में लिखा गया है ठीक है अपर्याप्त पाया गया जो धनराशि थी अपर्याप्त इनसफिसियंट इनसफिसंट है तो जाहिर सी बात है काम तो नहीं रुकेगा ना भारत सरकार का काम डेढ़ अरब लोगों के लिए है ये रुकने नहीं पाएगा तत्काल व्यवस्था की जाएगी ठीक है अपर्याप्त पाई गई तो उसके लिए आप अनुपूरक विधेयक लाएंगे सप्लीमेंट्री बिल लाएंगे और एडिशनल और एक्सेज ग्रांट्स की डिमांड करेंगे किस अनुच्छेद में करेंगे 115 में करेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 114 के उपबंधों के अनुसार जो व्यय मिला था आपको जो खर्चा मिला था वह कम पड़ गया पर्याप्त पड़ जाता है तो उसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा लाएंगे ठीक है और इसके लिए इसके लिए एक और व्यवस्था दी गई है ठीक है इसके लिए और व्यवस्था दी गई यानी कम पड़ गया अधिक खर्चा है तब इसके साथ एक व्यवस्था और इसमें दी गई है आर्टिकल 115 में जो अंतिम में लिखा है पूरी बात पढ़ दे रहा हूं ताकि मैं कुछ अलग बात कहूँगा वो समझने में आप लोगों को समस्या ना होने पाए तो पूरी बात यह है लिखी है काज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एन अदर स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर आर काज टू बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑफ द पीपुल डिमांड फॉर सच एक्सेस एज द केस में बी यह बात लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है इन्होंने कहा कि यह व्यवस्थाएं तो हैं है। राष्ट्रपति के पास कभी कभी आपने सुना होगा ठीक है जैसे यहां लिखा हुआ है अनुपूरक शब्द कभी कभी आपने सुना होगा अनुपूरक बजट भी आ जाता है ठीक है अनुपूरक इस्टीमेट भी आ जाता है बजट भी आ जाता है एक ही वित्तीय वर्ष में एक आपका मेन बजट होगा ये तो होना ही होना है लेकिन कभी कभी सप्लीमेंट्री अनुपूरक बजट भी आता है वो यही है अब राष्ट्रपति के ऊपर है डायरेक्ट ग्रांड की जो है ग्रांट्स की डिमांड करे यही अतिरिक्त खर्चा हो गया है या विद द एस्टिमेटेड स्टेटमेंट वो हो रिप्रेजेंट कराए ठीक है इंट्रोड्यूस कराए बिल को पार्लियामेंट में ये राष्ट्रपति के ऊपर है तो वही बात यहां कही गई है एक एक्स्ट्रा बात कही गई है कि अगर कुछ कम पड़ जाता है तो अदर स्टेटमेंट अदर स्टी आप एक शब्द में बनाइए ठीक है अदर एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ठीक है यह भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा बात को समझना पड़ेगा भारत का संविधान है दो विद्वानों द्वारा लिखा गया है विश्व के सबसे उच्च शिक्षित और ला की समझ रखने वाले जिन्होंने देश दुनिया और हर तरीके की स्थितियों को देखा था ऐसे लोग और लोगों लोग में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं और लोगों यानी कि जितने थे दो सभी अति विद्वान की कैटेगरी में थे के द्वारा लिखा गया है तो आपको समझना पड़ेगा कि कितनी अंतर्निहित बातें हैं ठीक है आपको समझना पड़ेगा इन्होंने बताया एन अदर इस्टीमेटेड स्टेटमेंट भी राष्ट्रपति इंट्रोड्यूस करा सकता है या डायरेक्टली अनुदान की मांग के रूप में भी वो जा सकता है सप्लीमेंट्री अनुदान भी ले सकता है एडिशनल या एक्सेज ग्रांट्स भी ले सकता है ठीक है और चाहे तो वो सप्लीमेंट्री बजट भी ला सकता है जैसा भी रहेगा जैसा भी रहेगा अब मजेदार बात यह है अगर डायरेक्ट ग्रांट की डिमांड की जाती है तो वो 113 में मामला चला जाता है क्योंकि ग्रांट को मंजूर करना जो डिमांड की गई है ग्रांट उसे मंजूर करना ये लोकसभा के अधिकार में है लेकिन बजट के लिए बताया गया है इस्टे, स्टेटमेंट के लिए बताया गया है यह दोनों सदनों में चर्चा कराया जाएगा छोटे छोटे डिफरेंस हैं आपको पकड़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा तो अगली बात अभी बातें नहीं खत्म हुई ये सप्लीमेंट्री एडिशनल या एक्सेस ग्रांट्स की भी डिमांड कर सकते हैं आगे पढ़ते समय इसी अनुच्छेद में 115 में एक बात मिलती है कि प्रेसिडेंट चाहे तो अनदर एस्टिमेटेड स्टेटमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है तो जब भी टेड स्टेटमेंट होगा तो इसी को हम जानते हैं बजट शब्द के रूप में तो ये एन है यानी सप्लीमेंट्री है कुछ कम पड़ रहा है नया बजट प्रस्तुत कर रहे हैं उसी वर्ष में तो अनुपूरक बजट के रूप में राष्ट्रपति इसे इंट्रोड्यूस कराता है यानी ग्रांट की भी डिमांड कर सकते हैं और सप्लीमेंट्री बजट को भी लाया जा सकता है अनुच्छेद एक के तहत क्लियर है अब अगले हिस्से में आते हैं तो हम देख लें इसी समय आर्टिकल 116 क्या कह रहा है मतलब अभी हम अपना समझते चल रहे हैं हमारी अपनी स्टोरी नहीं बनी है जैसे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है डिफेंस की स्टोरी होती है वैसे हम लोगों को भी अपनी स्टोरी बनानी चाहिए तो पहले हम इंट्रोडक्शन तो ले लें यहाँ लिखा है लेखानुदान प्रत्यानुदान अपवादानुदान लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान ठीक है ये तीन अनुदानों के बाद बारे में बात लिखी है जो अंग्रेजी में बड़ा अच्छा है वोट्स ऑन अकाउंट ठीक है इंग्लिश भाषा में बड़ी अच्छे तरीके से कहा गया है वोट्स ऑन अकाउंट ठीक है वोट्स ऑन अकाउंट वोट्स ऑफ क्रेडिट वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट एक्सेप्शनल ग्रांट्स तीन शब्द लिखे गए आर्टिकल 116 में 116 में यह क्या है ठीक है लिखा है बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और यही चीजों को ध्यान देना है पकड़ना है लिखा है नथिंग विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन द फॉर गोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द हाउस ऑफ द पीपुल सेल है पावर यहां विशेष बातों के लिए लिखा गया है कि ऊपर किन्हीं भी बातों को इस चैप्टर में होते हुए भी इन मामलों में बड़ा स्पष्ट कहा गया कि पावर ठीक है किसके पास है सैल है शब्द को समझिएगा सैल है हाउस ऑफ पीपुल्स ठीक है लोकसभा को पावर दी गई है 116 में पहली ही लाइन में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बात के इस चैप्टर में होते हुए पावर लोकसभा को होगी 116 में तो कैसी पावर होगी किन संबंधित मामलों में होने के लिए तो ए पार्ट कहता है क्या वन वन थ्री की प्रक्रिया पूरी होने तक तो वन वन थ्री को अगर हमें एक शब्द में कहना है तो हम कह सकते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं डिमांड फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स 113 ठीक की प्रक्रिया होने तक 114 की प्रक्रिया प्लस 114 की प्रक्रिया होने तक तो 114 में हम क्या जानते हैं एप्रोप्रिएशन बिल एप्रोप्रिएशन बिल इस प्रोसीजर को होने तक ठीक है देश नहीं रुकेगा काम नहीं रुकेगा ना रुकेगा ना झुकेगा ठीक है आ, तो समझ गए होंगे ये कौन है इसके लिए एडवांस की जरूरत पड़ेगी अग्रिम की जरूरत पड़ेगी शादी ब्याह का उदाहरण चल रहा है शादी छ महीने बाद होनी है तय तमाम आज हो गया इस्टीमेट आज बन रहा है बुकिंग अभी नहीं कराएंगे, तो क्या जिस दिन शादी होगी तब बुक कराने जाएंगे मैरिज लान जरूरत लगेगी एडवांस की तो एडवांस की व्यवस्था की गई है जब तक ग्रांट फाइनल ना हो जब तक अप्रोप्रिएशन बिल यानी चेक लगा करके पूरा पैसा ना निकाला जाए तब तक एटीएम से काम चला लीजिए है ना ट्वेंटी फोर बाई सेवन वाली व्यवस्था है एटीएम से एटीएम कौन है लोकसभा है आपका ठीक है बैंक पार्लियामेंट है तो लोकसभा एटीएम है याद रखे रहिएगा ठीक है तो एटीएम वाली व्यवस्था करेंगे अग्रिम देने के लिए ठीक है इसके बाद इस एडवांस को क्या कहेंगे इस अग्रिम को क्या कहेंगे इसी को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट ठीक है वोट्स ऑन अकाउंट ठीक इसके बाद इसके बाद ठीक है और ये जो वोट्स ऑन अकाउंट्स लेखानुदान आपको प्राप्त होगा वो किसके बिहार पर प्राप्त होगा जब तक क्रेडिट कार्ड नहीं है तब तक कैसे आप भुगतान मनचाहा कर पाएंगे वोट्स ऑन ऑफ क्रेडिट इंग्लिश में बहुत अच्छा समझ में आता है क्रेडिट शब्द यूज किया गया है कि लोकसभा एक क्रेडिट को भुनाती है एडवांस के लिए कि भाई जब फाइनल होगा तब होगा अभी क्रेडिट पे कुछ तो दे दीजिए कुछ तो फाइनल हो जाए एडवांस बुकिंग हो जाए क्रेडिट पर मामला चलता है विश्वास पर मामला चलता है ठीक है कि दो लाख रुपया का मैरिज लान दस हजार रुपया देकर के बुक कर दिए क्रेडिट वाली बात चल रही है क्रेडिट पर होगा और दूसरी बात यहां लिखा है ठीक है कि जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यहां पर अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो जाए यानी कि बी में लिखा है अनएक्सपेक्टेड डिमांड अप्रत्याशित मांग हो जाए ठीक है करोना आ गया वैक्सीन सबको लगवाना जरूरी है अप्रत्याशित मांग के लिए ठीक है व्यवस्था बनाई जा सकती है ठीक है व्यवस्था बनाई जा सकती है और तो और जो सब कुछ सारा सिस्टम चल रहा है उसमें आपका एक्सेप्शनल भी डिमांड्स आ सकती हैं एक्सेप्शनल ग्रांट एक्सेप्शनल ग्रांट्स की जरूरत पड़ेगी अपवादित स्थितियों की सुनामी आ गया भूकंप आ गया किसी ने आपसे बताया नहीं है कि बजट में व्यवस्था किए रहिएगा कि इस वर्ष इतनी बड़ी सुनामी आएगी इतना नुकसान होगा तो उसकी रिकवरी पहले से आप रख के रहिए ठीक है भूकंप आएगा तो बताया नहीं है कि यहां पर भूकंप आएगा गिर जाएगी बिल्डिंग इतने लोग मर जाएंगे बेघर हो जाएंगे व्यवस्था बनाए रखिएगा ऐसी कोई भी एक्सेप्शनल केसेज में एक्सेप्शनल ग्रांट्स को भी पारित करने का सब का सारा सिस्टम हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि अकाउंट पर वोटिंग का काम भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्रेडिट किसकी यूज होगी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कोई भी अपवादित स्थिति में किसकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनी ग्रांट को मंजूर करने की हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसीलिए 116 में सबसे पहले कहा गया वोट ऑन अकाउंट वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स के मामले में चाहे वो एडिशनल हो चाहे एक्सेप्शनल हो चाहे जैसा हो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास पावर होगी अनुदान देने की ग्रांट देने की और और शक्ति होगी ठीक है अभी एक और स्टेटमेंट जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है इतनी बातों के लिए सबके लिए कहा गया हाउस ऑफ पीपुल्स के पास पावर है अच्छी बात बात तो समझ में आ गई अंतिम हिस्सा क्या कहता है ठीक है एंड पार्लियामेंट सेल है टू ऑथराइज बाई ला द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज फॉर विच द सेड ग्रांट आर मेड पावर किसे है इसे सबको पास करने की हाउस ऑफ पीपुल को है और संरक्षक के रूप में एक तरीके से संचित धिन में निकालने की शक्ति के रूप में एक स्पष्ट लाइन लास्ट में लिखी गई है ठीक है हम हाशिए पर रख रहे हैं राज्यसभा को लेकिन इतना भी हासिये पर ना रख दिया जाए एक बात अंडरस्टूड है हालांकि इन्होंने लिख कर स्पष्ट कर दिया है फिर भी कंफ्यूजन रहता है क्या स्पष्ट किया गया यहां पर लिखा है पावर ठीक है पावर किसके बारे में ठीक है मनी फ्रॉम द कंसॉलिडेटेड फंड मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड मनी फ्रॉम द कंसॉलिडेटेड फंड इसे ठीक है पास करने की पावर किसके पास है पार्लियामेंट के पास है संसद के पास है और इस पार्लियामेंट में कौन आते हैं प्रेसिडेंट आते हैं प्लस हाउस ऑफ पीपल आता है और प्लस आपका हाउस ऑफ स्टेट्स राज्यसभा आता है ठीक है कोई कंफ्यूजन ना रहे कि खाली लोकसभा को ही सारी पावर दे दी गई है अब वो जो चाहे वो फंड इशू करती रहे नहीं ये बिल्स को पास करेंगे सब कुछ करेंगे ठीक है लेकिन अंतिम पावर अंतिम शक्ति के रूप में पार्लियामेंट लिखा गया है ठीक है फिर से पढ़ दे रहा हूं पार्लियामेंट सेल है हैव पावर टू ऑर्थराइज बाय लॉ द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर दर्पज ऑफ पिच सेड ग्रांट्स आर मेड यानी कि विड्रॉल करना है ठीक है विड्रॉल करना है तो आप पार्लियामेंट की पावर होगी ठीक है विड्रॉल करने की यह बात स्पष्ट कर दी गई है चलिए कोई बात नहीं स्पष्ट होनी चाहिए ठीक इसके बाद अगली बात ठीक है अगली बात क्या है अब हम तमाम रुपए पैसे की लेन देन बजट से संबंधित बातों पर चर्चा करते जा रहे हैं यहीं से जुड़ा हुआ अब एक अलग से आप अपना प्रश्न बना लीजिए और आसान हो जाए ठीक है यानी कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना है वो आसान हो जाए और उसके लिए हिंट लिखा है आर्टिकल वन वन सेवन में हिंट लिखा हुआ है आर्टिकल वन वन सेवन में तो क्या हिंट लिखा है आर्टिकल 117 में तो आर्टिकल 117 को पढ़ने से पहले दो बात जानना चाहिए फाइनेंशियल बिल वर्सेज मनी बिल इस बात को जानना चाहिए सभी मनी बिल एक फाइनेंशियल बिल होते हैं इस बात को आपको याद रखना चाहिए और यह फाइनेंशियल बिल ये बड़ा है ये जाति है यह उपजाति है यह फाइनेंशियल बिल में क्या जोड़ दिया जाए ठीक है यहाँ पर जो आनचेयर लोकसभा अध्यक्ष होगा ठीक है लोकसभा का अध्यक्ष होगा अध्यक्ष होगा यह यदि इस किसी भी फाइनेंशियल बिल को यह कह देता है कि यह मनी बिल होगा तो इसके साइन और ठीक है प्रमाणित करने के बाद वो मनी बिल बन जाता है अदरवाइज वो फाइनेंशियल बिल रहता है और जब ये मनी बिल बन जाता है तो वन जीरो नाइन वन वन जीरो एक सौ नौ और एक सौ दस अनुच्छेद को भी हमें देखना पड़ता है यानी कि पहले ही फाइनेंस सॉरी मनी बिल के बारे में स्पष्ट कर दिया गया प्रोसीजर वन जीरो नाइन में और मनी बिल क्या कैसे होगा वन उसकी डेफिनीशन वन वन जीरो में स्पष्ट कर दी गई फिर कहा गया आप पढ़िए ठीक है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ग्रांट से रिलेटेड मनी बिल्स होते हैं यहाँ पर मनी बिल के मामले में स्पष्ट तौर पर और एक सौ सोलह के मामले में स्पष्ट तौर पर और जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है स्पष्ट तौर पर तीन जगहों पर लोकसभा को सुप्रीमेशी कर दी गई है लोकसभा को एक आर्थराइज यूनिट बना दिया गया है कि उसके माध्यम से पास किया जाएगा उसके माध्यम से पास किया जाएगा ठीक है और और फिर जब वो पास हो जाता है तो उसके लिए तमाम तरीके की प्रक्रियाएं हैं और तमाम तरीके की प्रक्रियाओं में आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं इसी वजह से अंतिम रूप से विड्रॉल की पावर पार्लियामेंट लिखा गया है नौ की नौ की हाउस ऑफ पीपुल्स लिखा हुआ है यह पर्पज है इस अंतिम लाइन का यानी ये अंतिम लाइन समझना है तो अनुच्छेद 113 पर सौ सारी 117 समझना पड़ेगा मनी बिल को समझना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि हर एक ग्रांट पास हो रहा है हर एक चीज पास हो रहा है वो ठीक है कुछ लोकसभा द्वारा पास हो रहा है कुछ पार्लियामेंट द्वारा पास हो रहा है ये पास होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा लेकिन विड्रॉल किसके पावर के अधीनस्थ होगा वो पार्लियामेंट के पावर के अधीनस्थ होगा यानी कि अप्रत्याशित मांगों से संबंधित एडवांस मांगों से, एक्स, से संबंधित जो भी बिल होंगे उसे पास करेगा लोकसभा फिर विड्रॉल पार्लियामेंट की सहमति से किया जाएगा इस बात को आपको समझना पड़ेगा यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इन बिलों को पास करने के लिए यानी कि इन पर जो चर्चा पर चर्चा, वोटिंग पास करने की प्रक्रिया है सिर्फ लोकसभा में की जाएंगी राज्यसभा को इस मामले में कोई अथॉरिटी नहीं है कि 116 के इन बिल्स पर कोई चर्चा करे वोटिंग करे कोई अथॉरिटी नहीं है लोकसभा ने पास कर दिया तो पास कर दिया अब विड्रॉल के लिए देखना है कि पार्लियामेंट कैसे अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है ताकि रुपए को निकाला भी जा सके क्लियर है अब इतनी बातें जो आपकी हुई हमारी हुई यानी कि वन वन टू से लेकर के वन वन सेवन तक की हमारी बातें हुई ठीक है अब बात आती है यहां बजट बना ठीक है वन वन थ्री यहां पर ग्रांट की बात आई ठीक है वन वन फोर यहां पर इस ग्रांट के लिए चेक बना ठीक है चेक बन गया वन वन फाइव कुछ एक्स्ट्रा जरूरतें पड़े वन वन सेवन सिक्स ये आप सीधे तौर पे एक बात को जानिए ठीक है एडवांस और इन सब को मिलाकर पढ़े अगर तो बात आई शादी विवाह हो रहा है एक बजट बनाया गया परिवार ने बैठकर एक बजट बनाया एक सौ बारह में फिर कितना रुपया उसके लिए जो है ग्रांट किया जाएगा उसकी डिमांड की गई 113 में फिर उसको भुनाने के लिए चेक बनाया गया 114 में ठीक है फिर भी फिर भी कोई सप्लीमेंट्री या इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो सकती है अपवादित स्थितियां बन सकती हैं उसके लिए चर्चा की गई 115 में फिर बात आई कि ये सब तो ठीक है इस चर्चाओं के दौरान समय लगेगा उस समय में भी खर्चा रुकना नहीं चाहिए बुकिंग वगैरह एडवांस देकर कर दिया जाए तो एक सौ एक सौ सो सोलह में एडवांस निकाल लिया गया अपनी क्रेडिट पर और सबकी सहमति के साथ और सबकी सहमति के साथ यानी कि पार्लियामेंट की सहमति के साथ हम रुपए पैसे को विड्रा करते हुए यानी कि पावर है पार्लियामेंट की रुपए पैसे को विदड्रा करते हुए जहां लेन देन करना था लेन देन करते हुए आय व्यय करते हुए हमने शादी विवाह सकुशल संपन्न करवा दिया 112 से लेकर के 117 के बीच यही है आपकी बजट प्रोसीजर इन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आप वीडियोस को बार बार देखिए ठीक है लाइक करिए शेयर करिए बेहतर रहेगा आपके लिए भी और आपके जो शुभ चिंतक हैं या आप जिनके शुभचिंतक हैं सबके लिए ठीक है अगले वीडियो तक जय हिंद जय भारत धन्यवाद